जहर भरी महफिल में वो अमृत घोल दिए हैं, झूठेरों के सामने वो सच्चाई बोल दिए हैं, और राहुल जी की हक्कानियत आकर के तो देखो लोगों, वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह बनारस में हूँ। बनारस चूंकि लोकसभा है नरेंद्र मोदी जी का, तो जाहिर है कि हॉट सीट बना रहेगा। इसी बीच हम घूम रहे थे इस बनारस में, तो हमें एक राहुल गांधी के फैन मिले हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो राहुल जी के लिए क्या कह रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। सबसे पहले आपको शुक्रिया। मेरा नाम रज्जी शायर है, मैं यूथ कांग्रेस में दिल्ली को इंचार्ज हूँ और नेशनल मीडिया पैनलिस्ट भी हूँ इंडियन यूथ कांग्रेस में। मैं एक पोएट हूँ, तो राहुल जी पर मैंने बहुत सारी शायरियाँ लिखी है, जो कि एक शायरी मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि जहर भरी महफिल में वो अमृत घोल दिए हैं, जहर भरी महफिल में वो अमृत घोल दिए हैं, झूठेरों के सामने वो सच्चाई बोल दिए हैं, और राहुल जी की हक्कानियत आकर के तो देखो लोगों, वो नफ़रत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दिए हैं। वाह, और कोई एकाद शेर जो आप राहुल जी को? मैं जब राहुल जी को देखा कि रोडों पर जब मजलूमों के पीठ पर हाथ रख करके उन लोगों को हौसला दे रहे थे, तो मैंने लिखा कि नफ़रत के जाल को वो प्यार की धार से काट रहे हैं, नफ़रत के जाल को वो प्यार की धार से काट रहे हैं, नफ़रत बुरी चीज़ है ये दीवारों पर पर्चा साट रहे हैं, और नफ़रत भरी दुनिया में आकर के तो देखो राहुल जी सड़कों पर मोहब्बत बांट रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, 400 पार पे भी कोई लिखे हैं क्या आप, या खाली राहुल जी पे लिखते हैं? 400 पार वाली बात है, 400 ये एक जुमला है, क्योंकि उन्हीं का बहुत बड़े एक नेता कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी की जब बात होती है तो कहते हैं, 15 लाख की बातें होती है तो कहते हैं कि ये जुमला था, तो ये भी एक जुमला है। लेकिन मैं अपने नज़र में देखा तो मैं लिख दिया कि वो आंसुओं के दाग अपने आंसुओं से धोते हैं, वो आंसुओं के दाग अपने आंसुओं से धोते हैं, कभी इंदिरा कभी राजीव को देश के खातिर खोते हैं, और मेरे कांग्रेस पार्टी को पहचानो मेरे दोस्तों, राहुल से लिपट कर गरीब बेसहारे रोते हैं। ये आप अपना नाम क्या बताएं? मेरा रज्जी शायर नाम है। ये रज्जी शायर थे जो 4 शेर कहना चाहते थे राहुल गांधी के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि बनारस से कुछ और अच्छी चीज़ें, कुछ और ऐसी चीज़ें जो आपको प्रभावित करें, दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। आप बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।